Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today, I am going to discuss a topic under research, that is academic integrity in research. बहुत बात हो रही है आजकल इसकी, and the lecture will be useful for your general and professional courses as well as for your research work too. Okay, so let's start. एकेडमिक इंटीग्रिटी इन रिसर्च बात ही क्यों हो रही है एकेडमिक इंटीग्रिटी की, क्योंकि हम एकेडमिक इंटीग्रिटी नहीं शो करते हैं रिसर्च में. एकेडमिक इंटीग्रिटी का मतलब कि हम अकादमिक रूप से भी अखंड हैं कि नहीं, मतलब हम छोटे छोटे स्वार्थ के लिए गलत काम तो नहीं करते हैं रिसर्च में, अनुसंधान में, पर ऐसा है कि हम करते हैं. चूंकि हम करते हैं इसीलिए बात हो रही है कि आप एकेडमिकली इंटीग्रिटी शो कीजिए, एकेडमिक इंटीग्रिटी शो कीजिए रिसर्च में, ताकि अच्छा काम हो सके, अच्छा अनुसंधान हो सके. तो एकेडमिक इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, सॉरी, एकेडमिक इंटीग्रिटी मीन्स गिविंग क्रेडिट वेयर द क्रेडिट इज ड्यू. इतना आसान कि आप अकादमिक अखंडता ऐसे शो कर सकते हैं. इसका अर्थ है कि आप उसको क्रेडिट दीजिए जहां पर क्रेडिट बनता है, जिसका काम है उसका नाम लगाइए कि हाँ उसका काम है, किसी और के काम को अपने नाम से मत लिखिए, ये मतलब है. व्हाइल राइटिंग अ रिसर्च पेपर और मेकिंग ए प्रेजेंटेशन, पोस्टर और वेबसाइट, वी मस्ट एक्नॉलेज अवर सोर्स ऑफ आइडियाज और इन्फॉर्मेशन. वो कह रहे हैं कि आप जब एक अनुसंधान प्रपत्र लिखिए, आप जब कोई प्रेजेंटेशन बनाइए, कोई पोस्टर बनाइए, कोई वेबसाइट बनाइए, तो आप ये जरूर एक्नॉलेज कीजिए कि आपने ये कहाँ से लिया है ना, सोर्सेज ऑफ आइडियाज और इन्फॉर्मेशन. वी शुड एक्सप्रेस अवर आइडियाज इन अवर वर्ड्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड शेयरिंग अवर पर्सनल पर्सपेक्टिव. तो कह रहे हैं कि आप हमेशा, हमको जब भी कुछ लिखना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, उसको अपने विचारों में प्रदर्शित करना चाहिए और अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से शेयर करना चाहिए. और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वी मस्ट ड्यूली एक्नॉलेज अदर्स वर्क. अगर हम किसी और का वर्क शेयर कर रहे हैं तो उसको हमको एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये किसी और का है. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड गिव रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड अदर्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम. यानी कि जो भी इस पढ़ने लिखने के, टीचिंग लर्निंग के सिस्टम में इन्वॉल्व है, उसको आप क्रेडिट दीजिए, जिसका नाम है उसके नाम से ही पब्लिश कीजिए, अपने नाम से मत कीजिए, ये सारी बातें. तो यूजीसी ने 2018 में क्या कहा है कि एकेडमिक इंटीग्रिटी कैसे डिफाइन किया है यूजीसी ने, एकेडमिक इंटीग्रिटी इज द इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. वो कह रहे हैं कि अकादमिक अखंडता क्या है, आपकी बौद्धिक ईमानदारी, आप बौद्धिक रूप से कितने ईमानदार हैं इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग एनी एक्टिविटी विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. देखिए, आप लोग ने IPR का नाम बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर है आजकल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. वो कह रहे हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टी का राइट नहीं है, बल्कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी राइट है. आपका कोई विचार है, आपका कोई अनुसंधान है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और उसका भी आप पे अधिकार, मतलब उसका अधिकार आपके पास है, कोई और उसको नहीं यूज कर सकता है. तो वो कह रहे हैं, यूजीसी ने कहा कि अकादमिक अखंडता एक तरीके की बौद्धिक ईमानदारी है जो ये शो करती है कि हम कुछ प्रपोज करने में, कोई काम करने में, कुछ रिपोर्टिंग करने में कितने ईमानदार हैं बौद्धिक रूप से, जिससे कि हमारा, आपका बौद्धिक संपदा का निर्माण होता है. ठीक है, फिर वैल्यूज अंडरलाइंग रिसर्च इंटीग्रिटी. तो रिसर्च इंटीग्रिटी के अंतर्गत कौन कौन सी वैल्यूज, भाई हम इथिक्स को फॉलो करेंगे, हम डूज एंड डोंट्स जानेंगे, हमें जानना होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. रिगर, पूरे हम एग्जॉस्टिवली रिसर्च करेंगे. रेलेवेंस, यानी कि जो रिसर्च करेंगे वो रेलेवेंट होनी चाहिए, समय के हिसाब से होनी चाहिए. अब आज अगर आप रिसर्च कर रहे हैं कि चॉक एंड टॉक मेथड कितना प्रभावी है क्लासरूम शिक्षण में, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि अब चॉक एंड टॉक मेथड ऑब्सोलीट हो गया है डिजिटल वर्ल्ड में. थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं, पूरा आप उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी, रिसर्च आपकी कितनी ट्रांसपेरेंट है, मतलब जब हम रिसर्च करते हैं तो हर चीज हमको बतानी होती है कि हमने कौन सा सैंपल लिया है, किस सैंपलिंग मेथड के तहत लिया है, हमने कौन सी मेथडोलॉजी यूज की है, हमने कितने इंटरव्यूज किए हैं, सब कुछ, एवरीथिंग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन रिसर्च. तब कहा जाएगा कि आपकी रिसर्च जो है वो इंटीग्रिटी शो कर रही है. रेस्पेक्ट, अब रेस्पेक्ट किसकी, अगर आपका कोई पार्टिसिपेंट आपने लिया है, आपके को रिसर्चर्स हैं, तो सबके आपको राइट्स की रेस्पेक्ट करनी है. इम्पार्शियलिटी, जो भी रिसर्च का रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, उसका जो फायदा नुकसान आएगा, वो सब में आप बराबर बांटिए.
इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी. इंडिपेंडेंस मतलब किसी के इम्पोज, किसी के दबाव में आके रिसर्च मत कीजिए, आप स्वतंत्र हैं रिसर्च करने के लिए, सही काम कीजिए. और अकाउंटेबल आपको होना है कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो समाज के लिए उपयोगी हो, समाज तक उसका फल पहुंचे, उसके आउटकम्स पब्लिश हो, ये सारी बातें. फिर रिसर्च मिसकंडक्ट, रिसर्च इंटीग्रिटी से ही रिसर्च मिसकंडक्ट आता है. अगर हम एकेडमिकली इंटीग्रिटी शो करेंगे, एकेडमिक इंटीग्रिटी शो करेंगे, तो रिसर्च में भी इंटीग्रिटी रहेगी. लेकिन अगर नहीं रहेगी तो क्या हो जाता है, रिसर्च में मिसकंडक्ट हो जाता है. मतलब हम गलत काम करते हैं अनुसंधान में. क्या करते हैं गलत हम, रिसर्च मिसकंडक्ट मीन्स मैल प्रैक्टिसेस. मतलब वो प्रैक्टिसेस, वो अभ्यास जो गलत है, एडॉप्टेड बाई द रिसर्चर्स दैट सीरियसली डेविएट फ्रॉम एक्शन दैट आर कॉमनली एक्सेप्टेड विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी फॉर प्रपोजिंग रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग रिसर्च. वो कह रहे हैं ये अनुसंधान को प्रपोज करने में, मतलब बताने में कि हम ये काम करने जा रहे हैं, रिकॉर्ड करने में कि हमने ये काम किया, और रिपोर्ट करने में कि ये हमारी रिसर्च हो गई, इसकी ये आउटकम्स हैं, में जो कॉमनली एक्सेप्टेड जो हमारा ढांचा है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने अप्रूव किया है, उससे जब हम डेविएट करते हैं, मतलब उससे हम विचलन शो करते हैं, वो सारी चीजें मानते नहीं हैं, तो मैल प्रैक्टिसेस करते हैं हम, गलत काम करते हैं, गलत अभ्यास करते हैं, उसी को रिसर्च मिसकंडक्ट कहा जाता है. और ये कह रहे हैं 3 एब्रेशंस के नाम से जनरली ये रिसर्च मिसकंडक्ट जाना जाता है. FFP क्या है? FFP, पहले F का मतलब है फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म, जिसमें से प्लेगरिज्म वाला जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है. फैब्रिकेशन और फाल्सिफिकेशन लेस पॉपुलर है, लेकिन गलत ये भी किया जाता है, ये भी मिसकंडक्ट होता है. क्या है कह रहे हैं कि आर 3 इथिकल इश्यूज. ये कह रहे हैं ये 3 जो है नैतिक मुद्दे हैं जो कि रिसर्च मिसकंडक्ट को कैरेक्टराइज करते हैं. फर्स्ट टू रेफर टू मिसडेमिनर ड्यूरिंग रिसर्च एंड द थर्ड रेफर्स टू मिसकंडक्ट ड्यूरिंग द पब्लिकेशन और डिसेमिनेशन प्रोसेस. वो कह रहे हैं कि रिसर्च करने के दौरान, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप अनुसंधान कर रहे होते हैं, तब हम 2 गलतियां जो करते हैं वो फैब्रिकेशन और फैल्सिफिकेशन है. अभी बताते हैं क्या. और जब रिसर्च कर लेते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, तो जो गलती करते हैं वो प्लेगरिज्म है. कैसे? और तीनों को एक ही कैटेगरी में कह रहे हैं लेके FFP के नाम से, जबकि 2 जो है वो ड्यूरिंग द रिसर्च है, एक आफ्टर द रिसर्च है. इसलिए क्योंकि कह रहे हैं कि रिसर्च जब तक डिसेमिनेट नहीं होती है, जब तक पब्लिश नहीं होती है, जब तक प्रकाशित नहीं की जाती है, जब तक जन जन तक पहुंचाई नहीं जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं है. इसलिए सबको एक साथ में ही लेके चलेंगे. कह रहे हैं फेब्रिकेशन एंड फेल्सिफिकेशन आर फ्रॉड, ये धोखा है, और वाइल प्लेगरिज्म इज थेफ्ट ऑफ द विक्टिम्स क्रेडिट. और जबकि जो आपका प्लेगरिज्म को साहित्यिक चोरी कहते ही है, और ये चोरी है विक्टिम के क्रेडिट की. मतलब जिसका काम है उसको आप काम का नाम नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह से ये चोरी है उसके नाम पे. तो 2 चीजें, धोखा है और एक चोरी है. तो मतलब धोखा धड़ी चोरी ये सब चल रहा है अनुसंधान में. क्या है फैब्रिकेशन? कह रहे हैं फैब्रिकेट किया ना, मतलब हमने डेटा को फैब्रिकेट कर दिया, यानी एक्चुअली वो डेटा था नहीं, हम उसको दिखा रहे हैं कि ये डेटा है. मींस मेकिंग अप और कुकिंग अप डेटा और रिजल्ट्स विदाउट परफॉर्मिंग ड्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड रिपोर्टिंग देम इन प्रेजेंटेशंस ऑफ पब्लिकेशन. तो कह रहे हैं कि आपने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, आप फील्ड में गए ही नहीं, आपने डेटा कलेक्ट किया ही नहीं, आपने क्वेश्चनेयर को सर्वे को किया ही नहीं है, बस आपने डेटा लिख दिया है अंदाज से, अनुमान से, तुक्का से, है ना, कि चांस वर्क कि ये चल जाएगा ऐसा करके, तो ये एक्चुअल ऑथेंटिक डेटा है ही नहीं, तो ये फ्रॉड है. फॉल्सिफिकेशन क्या है कि हमने किया तो रिजल्ट, लेकिन हमारे अनुमान से रिजल्ट आ नहीं रहा है, हम चाह रहे थे ऐसा कुछ आ जाए और ऐसा आ रहा है, तो हम बदल दे रहे हैं, है ना. ऐसा मीन्स द एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म बट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन इज मैनिपुलेटेड. यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन जो उसका रिजल्ट आया आपने उसको जोड़ तोड़ के लिखा है, सही नहीं लिखा है, एक्चुअल नहीं लिखा है जो आया है. और प्लेगरिज्म क्या है? इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सन्स आइडियाज, प्रोसेसेस, रिजल्ट्स और वर्ड्स विदाउट गिविंग अप्रोप्रिएट क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू. और प्लेगरिज्म में आप क्या कर रहे हैं, जब आप डिसेमिनेट कर रहे हैं, जब आप पब्लिश कर रहे हैं रिसर्च, तो आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं जिसको क्रेडिट देना चाहिए, मतलब जिसका काम है, जिसका विचार है, जिसका कोटेशन है. इट मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम एज वन्स ओन. इसका मतलब हमने किसी और का काम उठाया और अपने नाम से छाप दिया. तो देखिए प्लेगरिज्म पे अलग से बात करनी पड़ेगी, बिकॉज प्लेगरिज्म अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है. यहाँ हमने सिर्फ हेडिंग्स ली हैं कि प्लेगरिज्म कई तरीके का हो सकता है. जैसे वर्ड फॉर वर्ड प्लेगरिज्म हमने बिल्कुल डिट्टो जैसा कहीं से उठा के लिख दिया. पैराफ्रेजिंग, हमने एक पैरा पढ़ा और उसको थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर किए और थोड़े बहुत अपने शब्द डाले और तब उसको लिख दिया, वो पैराफ्रेजिंग है. कट कॉपी पेस्ट, ऑनलाइन मटेरियल कहीं से लिया, एज इट इज आ गया वो. वर्ड स्विच प्लेगरिज्म है, कोई कोई वर्ड छोड़ छोड़ कर आप उसको एज इट इज उतार दे रहे हैं. ये स्टाइलिश
स्टाइल प्लेगरिज्म, हम किसी का स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, मेटाफर प्लेगरिज्म है ना, रूपक फॉलो कर रहे हैं, आइडिया फॉलो कर रहे हैं, ये सब प्लेगरिज्म में आता है। सब कुछ मतलब इतना ये स्ट्रिक्ट हो गया है कि आप कुछ भी किसी दूसरे का अपने नाम से नहीं छाप सकते हैं, खास तौर से जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे, क्योंकि अब तो हर चीज सॉफ्ट कॉपी में हो गई है, तो जो प्लेगरिज्म चेकर आते हैं, टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, वो तुरंत बता देते हैं कि आपने कितने शब्द जो हैं वो कहीं और से लिया है, जो भी दूसरा टेक्स्ट आपने लिया है कितने आपके अपने हैं, तो ओरिजिनल आपका कंट्रीब्यूशन कितना ये निकल के आ जाता है। तो अब चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है, और यूजीसी भी अब बहुत सख्त है इस पे, और उसने बहुत सारी पेनल्टीज इम्पोज की हैं कि आप रिसर्चर हैं तो आप पे ये पेनल्टी लगेगी, आप सुपरवाइजर या फैकल्टी हैं तो आप पे ऐसी ऐसी पेनल्टी लगाई जाएगी। ताकि ये सब क्यों हो रहा है, देखिए एक सेल्फ प्लेगरिज्म भी है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा अपना काम है तो अगली बार हम फिर उसको लिखेंगे और अगली बार फिर लिखेंगे और अगली बार फिर लिखेंगे, ये सोच के कि ये तो हमारा काम है। आप अपने आप को भी आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा पहला काम है, तो आपको कोटेशन देनी पड़ेगी, रेफरेंसिंग डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको मैं सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रही हूँ, ये सारी चीजें बहुत डिटेल आउट में जानने वाली हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, यूजीसी ने क्यों ये सारी पेनल्टीज इम्पोज की है, क्योंकि बहुत दोयम दर्जे का काम हमारे अनुसंधान में हो रहा है, कोई ओरिजिनल वर्क नहीं हो रहा है, कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए इतना आप पर ये कहा गया है कि दंड लगाया जाएगा ताकि आप गलती करने से बचें, साहित्यिक चोरी ना करें, अनुसंधान में एकेडमिक इंटीग्रिटी शो करें, ताकि अच्छा काम हो सके और हमारा हायर एजुकेशन में रैंकिंग बढ़े, बिकॉज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे बहुत पीछे हैं विश्व रैंकिंग से, है ना। और हायर एजुकेशन का मेन काम क्या है, हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, रिसर्च। जैसे ही रिसर्च सुधरेगी, हायर एजुकेशन अपने आप सुधर जाएगा। फिर ये आ गया आपका कि यूजीसी ने क्या किया है। देखिए, यूजीसी ने 2018 में एक रेगुलेशन लाया है, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन HEIs। वो कह रहे हैं कि यहाँ जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमको साहित्यिक चोरी को रोकना है और अकादमिक अखंडता को बढ़ाना है। इसके लिए यूजीसी 2018 में कहती है कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च थीसिस डिसर्टेशन। वो कह रहे हैं कि हमको रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, मतलब आप जिम्मेदारी करिए अपना अनुसंधान, अपना जो थीसिस सबमिट कर रहे हैं, अपना जो डिसर्टेशन सबमिट कर रहे हैं, उसके लिए अवेयरनेस चला रही है यूजीसी 2018 से, और कह रही है कि आप एकेडमिक इंटीग्रिटी को बढ़ावा दीजिए और जो मिसकंडक्ट है उनको रोकिए और प्लेगरिज्म को भी रोकिए। एकेडमिक राइटिंग एमंग स्टूडेंट फैकल्टी रिसर्चर एंड स्टाफ, जो कोई भी कुछ भी लिख रहा है, विद्यार्थी लिख रहा है, आपका फैकल्टी लिख रहा है, रिसर्चर लिख रहा है, कोई भी स्टाफ मेंबर कुछ भी लिख रहा है, उसमें प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू फैसिलिटेट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च थीसिस डिसर्टेशन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड डिटरेंस फ्रॉम प्लेगरिज्म, है ना। मतलब आप ऐसा एक अपने इंस्टीट्यूशन में ही मैकेनिज्म बना लीजिए जो चेक करे कि आप ऐसा कोई गलत काम, साहित्यिक चोरी ना करें, और टू डेवलप सिस्टम्स टू डिटेक्ट to develop systems to detect plagiarism and to set up mechanisms to prevent plagiarism and punish a student, faculty, researcher or staff of HEI committing the act of plagiarism. वो कह रहे हैं कि अब तो इन्फ्लिपनेट आप जानते होंगे, जो आपका सब जगह प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर दे दिए गए हैं, जैसे टर्निटिन यूज होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं उर्कुंड यूज होता है, तो ये आप अपने यहाँ लगाइए, यूजीसी कह रहा है, आप इसको सेटअप करिए ताकि आपके यहाँ कुछ भी सबमिशन हो तो वो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर चेक कर लिया जाए और पता चल जाए कि आपने कितना चोरी की है और आपने कितना अपना ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो इससे क्या होगा कि आदमी गलती नहीं करेगा। फिर लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म एंड पेनल्टी, देखिए पेनल्टी की बात की गई है कि अगर टीचर प्लेगरिज्म करता है, साहित्यिक चोरी करता है, कहीं और का मैटर लिख के अपने नाम से छापता है, तो उसको क्या क्या सजा उसके लिए है। तो लेवल, चार लेवल की बात है, लेवल 0, 1, 2, 3। अगर आप 10% से कम आपका सिमिलैरिटी लेवल है, मतलब आपने जो चीज, जो भी आपने राइटअप सबमिट किया है उसमें 10% या उससे कम सिमिलैरिटी आ रही है, ताकि मतलब आपने जो भी कहीं से लिया है, कट कॉपी किया है, आइडिया लिया, कुछ भी लिया है, वो 10% से अगर कम है तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो ये बहुत मुश्किल होता है 90% ओरिजिनल लिखना, मतलब इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। फिर लेवल 1, अगर आप 10% से लेके 40% के बीच में, अगर आपने 35% 40% सिमिलैरिटी लेवल आ गया, तो क्या कहा जाएगा आपसे, आपसे कहा जाएगा कि आपने जो मैन्युस्क्रिप्ट जमा किया है उसको विड्रॉ कर लीजिए, मतलब आप उसको दोबारा रीराइट करके सबमिट करेंगे, इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। लेवल 2 क्या है, सिमिलैरिटी लेवल अगर 60% तक चला जाए, यानी कि आपने सिर्फ
40% आपका अपना ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन है, 60% तो आप कहीं से लिख के लाए हैं, तो शैल बी डिनाइड राइट टू होना चाहिए, टी नहीं टाइप हुआ, वन एनुअल इंक्रीमेंट एंड नॉट बी अलाउड टू बी ए सुपरवाइजर टू एनी न्यू स्कॉलर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years. वो कह रहे हैं कि अगर आपने 60% तक का प्लेगरिज्म उसमें आ रहा है निकल के, सिमिलैरिटी लेवल आ रही है, तो आपको एक वार्षिक इंक्रीमेंट के लिए रोक दिया जाएगा और आपको अगले 2 सालों के लिए किसी नए स्कॉलर का सुपरवाइजर नहीं बनाया जाएगा. फिर लेवल 3 में कह रहे हैं कि अगर सिमिलैरिटी 60% से भी अबव चली गई, मतलब 70-75-80% आपने गलत काम किया है, तो आपको 2 एनुअल इंक्रीमेंट से रोका जाएगा और आपको 3 साल तक कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं मिलेगा. ठीक है, उसी तरह से रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी पेनल्टी है. देखिए IAIP इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल की बात की गई है, इसमें भी अगर 10% तक की सिमिलैरिटी है आप पे कोई पेनल्टी नहीं है. लेवल 1 पे आप चले जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि रिवाइज डिस्क्रिप्ट सबमिट कीजिए 6 महीने के अंदर. ये सब थीसिस जमा करने के लिए है ना, अगर आप थीसिस जमा करते हैं तो. अगर आप 40-60% तक की गड़बड़ी कर रहे हैं तो आपको 1 साल के अंदर आपको रिवाइज स्क्रिप्ट जमा करनी होगी. आपको 1 साल तक रोक दिया जाएगा कि 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल आपका बर्बाद होगा यू कैन से. और अगर 60% से भी ज़्यादा है तो आपका कैंसिल भी किया जा सकता है PhD रजिस्ट्रेशन. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना सख्त हो गया है नियम अब. ठीक है, तो इन दिस वे UGC हैज चेक्ड द प्रोसेस ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हम एकेडमिक इंटीग्रिटी शो करें, जिसका जहां क्रेडिट ड्यू है उसको दें, कोई फाल्सिफिकेशन फैब्रिकेशन प्लेगरिज्म ना करें, और अगर करेंगे तो ये नुकसान है हमको. तो हम चाहिए कि हम अच्छी स्वतंत्र ओरिजिनल चिंतन को हम अपने क्लासरूम में बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दें, ताकि बच्चे भी देखें कि टीचर्स हमारे इतना मेहनत करते हैं तो हमें भी और मेहनत करना चाहिए. तो टीचर्स को तो कतई ही नहीं करना चाहिए, और अब आज के स्टूडेंट कल के टीचर हैं तो उनको भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये उसके नुकसान है. तो इन दिस वे आई हैव कवर्ड अ वेरी जनरल बेसिक एंड रेलेवेंट टॉपिक फॉर योर रिसर्च वर्क, दैट इज एकेडमिक इंटीग्रिटी इन रिसर्च. ओके, thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.